ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरा टॉपिक है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, इतना लिखना है आपको। और जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, अभी अपन चलेंगे मेरी फोन की स्क्रीन पे, वहां पे अपन समझ लेंगे। ठीक है, ब्राइट फील्ड भी मैं बता दूंगा, डार्क फील्ड भी मैं बता दूंगा। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जो जो मैंने लिखा है सब याद होना चाहिए, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखना है, आप यूज टू ऑब्टेन हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के में, कि स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल। क्या होता है सैंपल? जैसे ब्लड का सैंपल हो गया, टिश्यू का सैंपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज टू ऑब्टेन हाई रिजोल्यूशन इमेज, चाहे वो बायोलॉजिकल हो नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन हो। ठीक है, कोई सभी स्पेसिमेन हो, बायोलॉजिकल हो नॉन बायोलॉजिकल हो, हमें चाहिए हाई रिजोल्यूशन। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज मैग्नेटिक फील्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम। जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये क्या यूज करता है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम। ये बात तुम्हें क्लियर हुई? अब देखो, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करो तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे यूज लेते हैं। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो 10,000 टाइम्स शॉर्टन होती है देन विजिबल लाइट ऑफ फोटोन। जो विजिबल लाइट के फोटोन होते हैं ना, उनसे 10,000 टाइम शॉर्टन होती है वेवलेंथ, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। बात ध्यान रखना, तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेवलेंथ जो है 10,000 टाइम्स शॉर्टन होती है देन लाइट के फोटोन से। ये बात तुम्हें क्लियर हुई? तो इधर का पोर्शन तुम्हारा क्लियर हुआ। अब देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप क्या है, दो तरह के होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है टू व्यू थिन स्पेसिमेन, जो थिन स्पेसिमेन होते हैं उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है वो प्रोवाइड कराता है आपको डिटेल इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सेल, सेल की सरफेस की डिटेल इमेज आपको प्रोवाइड कराता है। कौन, स्कैनिंग, स्कैन कर लेता है सेल की सरफेस को। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या करता है, थिन स्पेसिमेन, थिन सैंपल देखने को काम में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये भद्दा सा जो भी डायग्राम है, देखो इसको बनाना तो पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो देख लो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स लगा रखा है। ठीक, नीचे नीचे मैंने फाइनल इमेज बना रखी है, मैंने ऊपर लगा रखा है इलेक्ट्रॉन का सोर्स, और यहाँ पे मैंने लगा रखा है कंडेंसर लेंस। क्या लगा रखा है, कंडेंसर लेंस। एक बार इसको देख लो अच्छे से, कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ डिब्बे टाइप बना रखे हैं, अभी बताता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स मैंने बना रखा है, कंडेंसर लेंस मैंने बना रखा है, नीचे बना रखा है मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसके नीचे अपनी इमेज है। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे लगा रखा है प्रोजेक्टर मैग्नेटिक लेंस। तो सबसे ऊपर मैंने लगा रखा है इलेक्ट्रॉन का सोर्स, उसके बाद लगा रखा है कंडेंसर लेंस जो कि कंडेंस करेगा, फिर नीचे है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, फिर उसके नीचे है प्रोजेक्शन। क्या बात है सर, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लगा रहा हूँ, बढ़िया, एकदम अच्छी इमेज देखनी है मतलब आपको। ठीक है, और प्रोजेक्टर के बाद बनेगी फाइनल इमेज। तो देखो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन सोर्स ऊपर लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे है कंडेंसर लेंस, ऐसा दो लेंस बनाना, नीचे क्या है कंडेंसर लेंस, ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन सोर्स, उसके नीचे क्या आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि अपन को देखना है इमेज को, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कर देना, डिजाइन तो तुम बना लोगे यार, नॉर्मल से डिजाइन है। ठीक है, इमेज बनेगी और इमेज को अच्छे से देखना है सर, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लगाओ, एकदम बढ़िया वाला फील लेके देखना है। तो देखो भैया, प्रोजेक्टर मैग्नेटिक लेंस यहाँ पे लगाओगे, फाइनल इमेज तुम्हारी बन जाएगी, क्योंकि हम बड़े लोग हैं, हम प्रोजेक्टर में देखेंगे साइंस वाले पर। ठीक है, तो इस तरह से तुम इस डायग्राम को याद कर सकते हो, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आगे। तो और अगर एक और बात बोलूं मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, तो गिव इन्फॉर्मेशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल डिजीज, ये हमें क्या देता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन देता है, और सेल में कौन कौन सी बीमारी उन सबकी इन्फॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ यूज इन बायोमेडिकल रिसर्च। ये बात भी ध्यान रखना, किसमें यूज होता है, बायोमेडिकल रिसर्च में भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, वहां पर अपन देख लेते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो चलो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ओके, तो आप आ गए हो मेरी फोन की स्क्रीन पे, अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने लेक्चर में जो भी बोला है उसकी स्लाइड, इसका पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प हो जाएगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अपन देखने वाले हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज टू सी अनस्टेंड सैंपल। ठीक है, और अनस्टेंड सैंपल जो है वो ब्राइटर होगा अपीयर। देखो भैया, नाम क्या है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। वो गाना सुना होगा ना आपने, एक विलन का, अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने उजालों से वाकिफ किया।
तो ये ब्राइटर होगा सैंपल, तो ये बात ध्यान रखना। उजाले में क्या है सैंपल अपना, तो जो सैंपल होता है वो ब्राइटर होता है, तभी तो दिखेगा, अंधेरे में अंधेरे वाली चीज़ तो दिखेगी नहीं। नाम देखो डार्क फील्ड, अब डार्क तो होगा नहीं सैंपल, सैंपल क्या होगा अपियर ब्राइटर, तभी वो चमकता हुआ दिखेगा अपने को, ठीक है। और बैकग्राउंड कैसा होगा, डार्क होगा क्योंकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है। चलो आगे चलते हैं, इसका प्रिंसिपल देखो, टू सी स्पेसिमेन, और मैं लास्ट दो लेक्चर से बोल रहा हूँ स्पेसिमेन मतलब सैंपल, ठीक है। इन दिस माइक्रोस्कोपी ओपेक डिस हम यूज़ करते हैं। सर क्यों यूज़ करते हैं ओपेक डिस, क्योंकि ये लाइट को जो है इजीली स्कैटर्ड कर देता है, और उसको हम प्लेस करते हैं अंडर कंडेंसर लेंस ड्यू टू विच लाइट स्कैटर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइट रीचेस टू आई, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हुई, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे स्पेसिमेन देखने के लिए, स्पेसिमेन बोल लो सैंपल बोल लो एक ही बात है, स्पेसिमेन देखने के लिए सैंपल देखने के लिए ओपेक डिस्क का यूज़ करना है, जो कि आपको प्लेस करनी है अंडर कंडेंसर लेंस। जब आप कंडेंसर लेंस के नीचे ओपेक डिस्क को प्लेस करोगे, तो ये ओपेक डिस्क क्या करती है, लाइट को इजीली स्कैटर्ड कर देती है, जिसकी वजह से हमारा स्पेसिमेन जो है, हमारा सैंपल जो है, वो ब्राइट अपीयर होता है और हमें दिखता है, ठीक है। अपन डायग्राम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ है मैंने, या फिर बोल लो ऑब्जर्वर, तो आई के नीचे लिखना आई पीस लेंस, और ओ से ऑब्जर्वर, और ओ से ऑब्जेक्टिव लेंस, ऐसे याद रख लोगे, आई बोल लो या ऑब्जर्वर, आई से लिखना आई पीस लेंस, ओ से लिखना ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। नीचे आओ, लाइट सोर्स तुम बनाओगे सही, ओपेक डिस्क और ऊपर कंडेंसर लेंस, ये बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको अनस्टेंड सैंपल, जो कि अपन देखने वाले हैं स्टैनिंग के बाद, ठीक। और इसके यूजर्स देख लो, इस माइक्रोस्कोपी के डार्क फील्ड के, हाई कॉन्ट्रास्ट देखेगा आपको, लाइव डिटेक्शन करेगा, ये सिंपल होता है इफेक्टिव होता है, तो चारों अलग अलग लिख सकते हो आप, हाई कॉन्ट्रास्ट होता है इसमें, लाइव डिटेक्शन आप कर सकते हो इसमें, सिंपल होता है इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये डायग्राम बना देना है, फिर आपको इसका प्रिंसिपल बताना है, फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बारे में ये दो लाइन लिखनी है। सेम ऐसे ही ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें क्या होता है, ब्राइटर की जगह डार्क इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि बैकग्राउंड जो होता है वहाँ पर ब्राइट होता है, नाम से पता लग रहा है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड, ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू, मस्त रहो, व्यस्त रहो।